तो मूवी की शुरुआत में हम दो मछुआरों को देखते हैं जो समुद्र के अंदर मछली पकड़ने आए होते हैं। तभी हम पानी के अंदर एक सी मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस बोट से उनका सामान चुरा रहा होता है, मगर एक मछुआरा उसे देख लेता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है क्योंकि उन्हें लगता है सी मॉन्स्टर उन्हें मारकर खा जाएंगे। खैर वो मछुआरे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सी मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। खैर आगे हम बहुत सारे सी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पानी के नीचे रहते हैं और इंसानों की तरह ये लोग काम करते हैं और इनका अपना परिवार भी होता है। वहां हमारी मुलाकात इस फिल्म के मेन कैरेक्टर लुका से होती है जो अपनी मछली को बाहर चराने के लिए लाया होता है और वो मछलियां भी लुका की हर एक बात को मानती है। फिर आगे लुका को एक क्लॉक नजर आती है, लुका उस क्लॉक को उठाने वाला होता है तभी उसे माँ की बात याद आती है कि इंसानों की बनाई हुई चीज को कभी मत छूना क्योंकि इंसान मछलियों का शिकार करते हैं। लेकिन लुका खुद को रोक नहीं पाता और उस क्लॉक को उठा लेता है। वहां उसे कई सारी चीजें पड़ी मिलती है लेकिन तभी लुका को एक बोट वहां से जाती हुई दिखती है जिसे वो डर जाता है और अपनी मछलियों को वहां के पत्थर के नीचे छिपा देता है। फिर आगे लुका अपने घर खाना खाने जाता है जहां हम लुका के परिवार को देखते हैं जिसमें उसकी मॉम, डैड और एक बूढ़ी नानी भी होती है। बातों बातों में उसकी नानी उसे बताती है कि वो काफी बार इंसानों के गांव जा चुकी है। तभी लुका की मॉम उन्हें इंसानों के गांव के बारे में बताने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लुका कभी इंसानों की दुनिया में चला जाए। खैर आगे लुका फिर से उसी जगह जाता है और इंसानों की चीजों को इकट्ठा करने लगता है लेकिन तभी उसके पीछे एक सी सूट पहनने वाला आदमी आता है। लुका उसे देखकर काफी डर जाता है लेकिन तभी वो अपना मास्क उतार देता है तो लुका देखता है कि वो एक सी मॉन्स्टर है और वो उसका नाम अल्बर्टो बताता है। ये वही सी मॉन्स्टर होता है जिसने रात के समय मछुआरों का सामान चुराया था। वो लुका से कहता है मैं यहाँ अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। वहां से जाते वक्त वो सामान के साथ लुका की लकड़ी को भी अपने साथ ले जाता है जिसके कारण लुका उसके पीछे जाता है। फिर अल्बर्टो उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं बाहर आते ही लुका की बॉडी बदलकर इंसानों जैसी हो जाती है जिसे देखकर लुका काफी डर जाता है, मगर थोड़ी ही समय के बाद लुका पानी के अंदर चला जाता है और रात के समय लुका इंसानों की दुनिया के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन लुका अपने फिश को चराने ले जाता है और वहां पे पत्थरों का एक स्केयरक्रो बनाता है ताकि उसकी मॉम को ऐसा लगे कि लुका वहां पे ही मौजूद है। फिर से लुका पानी से बाहर जाने की कोशिश करता है मगर उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती। आगे अल्बर्टो वहां आके लुका को पानी से बाहर निकालता है जिससे लुका की बॉडी बदलकर इंसानों जैसी हो जाती है। आगे अल्बर्टो उसे चलने के लिए कहता है मगर लुका कई बार गिर जाता है। फाइनली अल्बर्टो उसे चलाना सिखा देता है। आगे अल्बर्टो उसे अपने घर लेकर जाता है जो इंसानों की बस्ती से काफी दूर होता है। कि लुका वहां की हर एक चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है। आगे अल्बर्टो उसे बताता है कि यहां वो अपने पिता के साथ रहता है। खैर अल्बर्टो लुका को पानी के बाहर रहने की खूबियां बताने लगता है जैसे कि यहां की हवा, सूरज की रोशनी, हरियाली और ग्रेविटी जो कि पानी के अंदर नहीं है। आगे अल्बर्टो उसे घर के अंदर ले जाता है जहां लुका एक स्कूटर की फोटो देखता है। अल्बर्टो उसे बताता है ये इंसानों की बनाई गई सबसे मजेदार चीज है जिसे इंसान वेस्पा नाम से बुलाते हैं और तुम इस पर बैठकर कहीं भी जा सकते हो। लुका उसकी बातें सुनकर सपनों की दुनिया में खो जाता है। लुका अल्बर्टो से कहता है तुम्हारे पास तो कई सारे पार्ट्स है, क्यों ना तुम अपने लिए एक वेस्पा बनाओ। फिर दोनों मिलकर वेस्पा बनाने लगते हैं जिसे बनाने में उनका दिन निकल जाता है। आगे लुका अपने घर जाता है तो उसकी माँ गुस्से से पूछती है तुम इतनी देर कहाँ थे। तभी उसकी नानी झूठ बोलकर उसे बचा लेती है। अगली सुबह लुका अल्बर्टो के घर पहुंच जाता है। फिर दोनों मिलकर वेस्पा की टेस्टिंग करने लगते हैं जहां लुका एक ट्रैक को पकड़कर खड़ा रहता है और अल्बर्टो वेस्पा को लेकर पहाड़ी से नीचे उतरता है, मगर वो वेस्पा नीचे आते वक्त ही पूरी टूट जाती है। फिर से दोनों मिलकर दूसरी वेस्पा बनाते हैं जिससे उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहां दूसरी तरफ उसकी माँ को पता चलता है कि लुका ने अपने जैसा दिखने वाला पुतला बनाकर पानी से बाहर चला गया है। आगे फाइनली अल्बर्टो और लुका मिलकर एक वेस्पा बना लेते हैं। अब उसकी टेस्टिंग की बारी आती है तो लुका उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होता। फिर अल्बर्टो उसे कन्विंस करता है। फिर दोनों उस वेस्पा के ऊपर बैठ जाते हैं मगर ऊपर जाने के बाद वो वेस्पा एक पत्थर पर गिरने वाली होती है। तभी लुका उस वेस्पा को बीच में से तोड़ देता है और दोनों बच जाते हैं। रात के समय दोनों आसमान देख रहे होते हैं। लुका अल्बर्टो से पूछता है ये आसमान में क्या चमक रहा है। अल्बर्टो उसे कहता है ये सब मछलियां है, जिसे सुनकर लुका फिर से सपनों की दुनिया में खो जाता है। तभी उसे घर की याद आ जाती है। फिर लुका घर जाने लगता है जहां उसके पेरेंट्स उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसकी मॉम उससे कहती है हमने तुम्हें ऊपर जाने से मना किया था, पानी से बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक है। मगर लुका उसे कहता है बाहर की दुनिया काफी सुंदर है और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है। मगर उसकी मॉम लुका से कहती है तुम्हारी भलाई के लिए हम तुम्हें अंकल उगो के साथ भेज रहे हैं, जिसे लुका काफी दुखी हो जाता है और वहां से भागकर अपने दोस्त अल्बर्टो के पास चला जाता है। लुका उससे कहता है उसके पेरेंट्स उसे दूसरी जगह भेज रहे हैं। अल्बर्टो उसे कहता है तुम मेरे साथ यही रह जाओ, मगर लुका उससे कहता है वो लोग मुझे यहाँ आकर ले जाएंगे। फिर अल्बर्टो इंसानों की गाँव की तरफ इशारा करके कहता है हम इंसानों की गाँव चले जाएंगे, वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढने नहीं आ सकते। अल्बर्टो उससे कहता है उस गाँव में हमें असली वेस्पा भी मिलेगी और उसे बनाने वाला मिस्टर वेस्पो भी वही होगा जिससे हम हमारे लिए एक असली वेस्पा बनाएंगे। फिर दोनों पानी में तैरकर उस गांव की ओर जाने लगते हैं। जाते समय वो पानी में जंप लगा रहे होते हैं जिसे करकर लुका काफी खुश हो जाता है। आगे वो दोनों इंसानों के गांव पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक लड़की देख लेती है, मगर दोनों पानी में जाकर एक बोट के जरिए बाहर आ जाते हैं। आगे दोनों उस गांव में जाने लगते हैं। जाते समय उन्हें वहां फिश हंटर्स नजर आते हैं, मगर अल्बर्टो उससे कहता है सब कुछ ठीक होगा मगर गीले मत होना। आगे गांव के अंदर जाने के बाद लुका को कई सारे बच्चे और शॉप नजर आते हैं जिसे देखकर वो
हैरान हो जाता है। तभी उसे फिश हंटर के स्टैचू नजर आते हैं जिससे वो घबरा जाता है और वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वहाँ एक इंसान तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हुए वेस्पा के साथ आ जाता है जिसे देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आगे एक लड़की लुका को फुटबॉल उसकी तरफ फेंकने के लिए कहती है मगर गलती से वो बॉल उस वेस्पा को लग जाता है जिससे वो वेस्पा नीचे गिर जाती है। आगे उस वेस्पा का ओनर जो कि एक बदतमीज इंसान होता है लुका और अल्बर्टो के पास आकर उनसे लड़ने लगता है। दरअसल अपना नाम एरकोलो बताता है और उनसे कहता है उसने पोर्ट्रोस को कप 5 बार जीता है और उसी पैसे से उसने ये वेस्पा खरीदी है। आगे एरकोलो लुका से कहता है तुमसे मछली की भारी बदबू आ रही है जिसे अल्बर्टो गुस्सा हो जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है। आगे एरकोलो लुका को सबक सिखाने के लिए एक पूल की तरफ ले जाता है। तभी एक लड़की जिसका नाम जूलिया होता है वहाँ पे आ जाती है और लुका और अल्बर्टो को बचाकर अपने साथ ले जाती है क्योंकि जूलिया और एरकोलो की कभी नहीं बनती। एरकोलो ने उसे 5 बार रेस में हराया होता है। फिर जूलिया उन दोनों से पूछती है क्या तुम भी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इस गाँव में आए हो मगर वो दोनों उसे कुछ जवाब नहीं देते। फिर जूलिया मछली बेचने के लिए वहाँ से चली जाती है। लुका अल्बर्टो से कहता है उसे रेस के बारे में पूछो क्योंकि एरकोलो ने उससे कहा था कि उसने वेस्पा रेस में जीते हुए पैसे से खरीदी है। फिर अल्बर्टो जूलिया से पूछता है क्या रेस जीतने पर हमें वेस्पा मिल जाएगी। जूलिया उन्हें बताती है रेस जीतने पर तुम्हें पैसे मिलेंगे और उससे तुम वेस्पा भी खरीद सकते हो। जूलिया उन्हें एक पुरानी वेस्पा भी दिखाती है जिसे देखकर लुका फिर से सपनों की दुनिया में खो जाता है। आगे दोनों जूलिया से कहते हैं हम दोनों भी रेस में हिस्सा लेंगे और उस रेस को जीतकर वेस्पा खरीदेंगे। जूलिया उन्हें बताती है कि ये रेस काफी मुश्किल है। ये रेस जीतने के लिए तुम्हें 3 स्टेजेस को पार करना होगा। पहले तुम्हें स्विमिंग करनी होगी उसके बाद तुम्हें पेट भरकर पास्ता खाना होगा और आखिर में साइकिल रेस करनी है। आगे लुका और अल्बर्टो उससे कहते हैं क्यों ना हम तीनों मिलकर एक टीम बनाए मगर जूलिया उनसे कहती है मैं हमेशा अकेले रेस करती हूँ मगर अल्बर्टो उससे कहता है तुम अकेले रेस करती हो इसलिए 5 बार रेस हार चुके हो। उनकी बात सुनकर जूलिया उनसे कहती है मैं तुम्हें अपनी टीम में लूंगी मगर उससे पहले तुम्हें मुझे साइकिल चलाकर दिखानी होगी। फिर लुका साइकिल चलाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाता है। आगे थोड़ी कोशिश करने के बाद लुका साइकिल चलाना सीख जाता है। आगे जूलिया उनसे उनके गाँव का नाम पूछती है तो अल्बर्टो उससे कहता है हम दोनों घर से भाग कर यहाँ आए हैं जिससे जूलिया उन्हें कहती है तो मैं दोनों को अपनी टीम में नहीं ले सकती। लुका उसे बताता है मेरी फैमिली मुझे एक अजीब अंकल के साथ दूर भेज रही थी और इसीलिए हम दोनों भाग कर यहाँ आ गए। उन दोनों की बात सुनकर जूलिया उन्हें अपनी टीम में लेती है और उस टीम को फटीचर टीम नाम देती है। जूलिया उन्हें बताती है रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें फीस देनी होगी मगर अभी उसके पास पैसे नहीं है। आगे जूलिया उन्हें लेकर उसके घर जाती है जहाँ उसके डैड खाना बना रहे होते हैं जिनका नाम मासिमो होता है। उस घर में सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए काफी सारे हथियार रखे होते हैं जिन्हें देखकर दोनों डर जाते हैं। आगे सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। उस दिन जूलिया के डैड ने खाने में पास्ता बनाया था। अल्बर्टो को पास्ता इतना अच्छा लगता है कि वो अपने हाथों से ही खाने लगता है जिसे देखकर मासिमो और जूलिया को उनसे घिन आने लगती है। फिर जूलिया मासिमो से रेस की फी भरने के लिए पैसे मांगती है मगर उसकी डैड उससे कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। मासिमो आगे कहता है अगर तुम्हें रेस में भाग लेना है तो मुझे ज्यादा मछलियाँ पकड़नी होगी जिससे अल्बर्टो उनसे कहता है हम दोनों मछलियाँ पकड़ने में आपकी मदद करेंगे। फिर जूलिया उन्हें एक ट्री हाउस में लेकर जाती है जहाँ वो दोनों उसी रात वही सो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम लुका के पेरेंट्स को देखते हैं जो लुका को ढूंढने के लिए उस गांव के किनारे आए होते हैं। जैसे ही वो दोनों उस पानी से बाहर निकलते हैं उनका रूप बदलकर इंसानों जैसा हो जाता है जिससे दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और लुका को ढूंढने उस गांव में जाने लगते हैं। अगली सुबह जब लुका की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि बारिश की वजह से वो दोनों फिर से सी मॉन्स्टर बन चुके हैं जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं और पानी को साफ करके फिर से इंसान के रूप में आ जाते हैं। आगे मासिमो उन्हें मछलियां पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाता है लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती जिससे मासिमो काफी निराश हो जाता है। तभी लुका उन्हें बताता है इस वक्त सारी मछलियां पानी की दूसरी तरफ होती है जिससे मासिमो काफी सारी मछलियां पकड़ लेता है और जूलिया को रेस के लिए फाइनली पैसे दे देता है। आगे तीनों रेस में भाग लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पे एक लेडी उन्हें रेस के रूल्स बताती है जैसे रेस 3 राउंड में होगी। पहली स्टेज में तुम्हें तैरना है उसके बाद तुम्हें पास्ता खाना होगा और आखिरी में तुम्हें साइकिल से पोर्ट्रोस की पहाड़ी तक जाकर वहाँ से वापस आना है। फिर तभी वहाँ पे 5 साल का विजेता एरकोलो आ जाता है और जूलिया के पैसे छीन लेता है। तभी लुका उसकी इंसल्ट करता है जिससे वहाँ के सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर एरकोलो जूलिया के पैसे लौटाकर लुका को धमकी देता है कि रेस के दिन मैं तुम्हें देख लूंगा। आगे जूलिया उस रेस में अपनी टीम का नाम दर्ज करवाती है। फिर आगे तीनों जमकर रेस की प्रैक्टिस करते हैं। ये अल्बर्टो ज्यादा से ज्यादा पास्ता कम समय में खाने की प्रैक्टिस करता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है उसे पास्ता फोक से खाना नहीं आता। या दूसरी तरफ लुका साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है मगर ढलान से नीचे उतरते वक्त वो हमेशा गिर रहा होता है। उस रेस में जूलिया का टास्क स्विम करना होता है इसलिए जूलिया उसकी प्रैक्टिस लुका और अल्बर्टो को साथ लेकर कर रही होती है। तभी एरकोलो उन्हें वहाँ देख लेता है और उन्हें तंग करने के लिए वहाँ आ जाता है जिससे अल्बर्टो बोट से नीचे गिर जाता है और उसका रूप चेंज हो जाता है। या जूलिया एरकोलो से बातें कर रही होती है तभी अल्बर्टो बोट में आ जाता है और लुका उसे सुखा देता है। आगे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरी तरफ हम लुका के मॉम और डैड को देखते हैं। उस गाँव में उन्हें कई सारे छोटे बच्चे नजर आते हैं उनमें से उन्हें लुका को पहचानना काफी मुश्किल जाता है इसलिए उसके मॉम और डैड उस गाँव के हर एक बच्चे को पानी में डालकर देखते हैं। लेकिन तभी लुका उनको वहाँ देख लेता है जिससे वो काफी डर जाता है और समझ जाता है कि उसके मॉम और डैड उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। फिर लुका अल्बर्टो से इसके बारे में बात करता है।
लेकिन अल्बर्टो उससे कहता है तुम्हारे पेरेंट्स इस गांव में नहीं आ सकते। फिर आगे मौसिमो वहां आकर अल्बर्टो को अपने साथ फिश पकड़ने ले जाता है। फिर लुका और जूलिया आपस में बातें करने लगते हैं। जूलिया लुका से पूछती है अगर तुम्हें वेस्पा मिल जाए तो तुम क्या करोगे, कि मैं और अल्बर्टो वेस्पा को लेकर दुनिया घूमेंगे और जहां मन चाहे वहां जाएंगे। आगे जूलिया उसे बताती है जब मेरा स्कूल शुरू होगा तो मैं जेनेवा चली जाऊंगी जहां मैं अपने मॉम के साथ रहती हूं और छुट्टियों के दिनों में अपने डैड के पास आ जाती हूं। फिर लुका उसे आसमान में मछलियां देखने के लिए कहता है, मगर जूलिया उसे टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखने के लिए कहती है। जैसे ही लुका आसमान में देखता है तो उसे वहां कई सारे सितारे और प्लैनेट्स नजर आते हैं। जूलिया उससे कहती है ये कोई मछलियां नहीं बल्कि सितारे हैं जो हमारे सूरज से काफी बड़े हैं। ये सुनकर फिर से लुका सपनों की दुनिया में खो जाता है। लुका उसे पूछता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। जूलिया उसे बताती है ये सब उसने स्कूल में सीखा है, जिससे लुका भी स्कूल जाने के बारे में सोचने लगता है। तभी अल्बर्टो लुका को अपने साथ ले जाने के लिए वहां आ जाता है। वहां से जाते वक्त जूलिया लुका को एक एस्ट्रोनॉमी की बुक देती है, जिसे देखकर अल्बर्टो को उन दोनों से जलन होने लगती है क्योंकि लुका जूलिया के साथ काफी घुल मिल गया था। आगे अल्बर्टो लुका को लेकर एक पुरानी वेस्पा दिखाने ले जाता है, लेकिन लुका को अब वेस्पा में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। वो अल्बर्टो से कहता है कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए जहां हम नई चीजें सीखेंगे जूलिया की तरह। अल्बर्टो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सी मॉन्स्टर कभी स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी पर पानी गिर जाए तो तुम क्या करोगे। तभी वहां पे एरकोलो आ जाता है और हमेशा की तरह उन्हें परेशान करने लगता है। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं और घर आकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। यहां लुका की मॉम लुका को साइकिलिंग करते हुए देख लेती है। उन्हें देखकर लुका साइकिल और तेजी से भगाता है। आगे ढालन आ जाती है तो लुका साइकिलिंग करने से डरने लगता है। फिर अल्बर्टो उससे कहता है जैसे मैं साइकिलिंग कर रहा हूं वैसे ही तुम करना, और ये कहकर वो साइकिल चलाने लगता है जिससे वो काफी स्पीड से नीचे आने लगता है और एक दीवार से टकराने के कारण वो पानी में गिर जाता है, मगर उसे कुछ नहीं होता। तभी लुका वहां आकर उससे कहता है तुम्हें तो कुछ साइकिल चलाना नहीं आता तो तुम मुझे क्या सिखाओगे। लुका की ये बात सुनकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी जूलिया वहां आकर दोनों को चुप करवाती है। लुका जूलिया से पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा सकता हूं, तो जूलिया उसे कहती है तुम मेरे साथ स्कूल जा सकते हो। इससे लुका काफी खुश होता है, मगर इस बात से अल्बर्टो को काफी बुरा लगता है जिससे वो गुस्से से पानी में गिर जाता है और सी मॉन्स्टर बन जाता है। उसे देखकर जूलिया काफी डर जाती है और लुका भी उसे देखकर डरने का नाटक करता है। इस बात से अल्बर्टो काफी दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर दोनों घर जाते हैं। जूलिया के डैड उनसे अल्बर्टो के बारे में पूछते हैं कि वो कहां पे है, तो लुका उनसे कहता है वो यहां से चला गया और हमें पता नहीं कि कब लौट कर आएगा, जिसे सुनकर मासिमा हैरान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आगे जूलिया को लुका के ऊपर शक होता है तो जूलिया उसके ऊपर पानी फेंकती है जिससे लुका सी मॉन्स्टर में बदल जाता है। जूलिया उस पर गुस्से से चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि दुनिया में इतने सारे गांव हैं लेकिन तुम यहां पे क्यों आए, क्योंकि यहां के सभी लोग सी मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं इसलिए तुम यहां से दूर चले जाओ। फिर लुका वहां से चला जाता है। आगे लुका अल्बर्टो से मिलने उसके घर जाता है। अल्बर्टो उससे कहता है तुम यहां क्या करने आए हो, जहां लुका देखता है कि दीवार पर अल्बर्टो ने कुछ लाइंस ड्रॉ की होती है। वो उससे इसके बारे में पूछता है तो अल्बर्टो उसे बताता है कि इस दीवार पे वो दिन को काउंट कर रहा है जब से मेरे डैड मुझे यहां अकेला छोड़कर चले गए। इससे लुका समझ जाता है कि अल्बर्टो यहां अकेले ही रहता है, जिसे सुनकर लुका दुखी हो जाता है। अल्बर्टो उससे कहता है कि तुम भी यहां से चले जाओ। लुका उससे कहता है कि मेरे जीतने जा रहा हूं जिससे हमें वेस्पा मिल जाएगी और हम साथ में दुनिया घूमेंगे। फिर वो पानी में कूद जाता है। फिर आगे हम देखते हैं रेस के दिन लुका भी रेस में हिस्सा लेने पहुंच जाता है, लेकिन वो जूलिया के साथ रेस ना करते हुए अकेले अपना नाम दर्ज करवाता है। वहां लुका के पेरेंट्स भी लुका को ढूंढ रहे होते हैं। उस रेस का पहला राउंड स्विमिंग करना होता है जिसमें लुका गोताखोरों का ड्रेस पहनकर वहां आ जाता है ताकि उसकी बॉडी पानी से बच सके। आगे रेस स्टार्ट हो जाती है। जूलिया सबसे पहले उस राउंड को पार करती है, मगर लुका का ड्रेस काफी हेवी होता है जिसके कारण उसे राउंड खत्म करने में काफी समय लग जाता है। वहां दूसरे प्लेयर सेकंड राउंड में नूडल्स खाना चालू करते हैं। जूलिया और एरकोलो उस टास्क को खत्म करके साइकिलिंग करने निकल जाते हैं। अब लुका भी पास्ता खाकर साइकिलिंग करने लगता है, तभी उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर लुका उनसे बचकर आगे निकल जाता है। वो एरकोलो से भी आगे निकलकर ढालन की चोटी पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है जिससे लुका वहीं रुक जाता है। लेकिन तभी अल्बर्टो एक छाता लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है। उसे वहां आता देखकर एरकोलो अल्बर्टो को साइकिल से नीचे गिरा देता है, जिससे अल्बर्टो भीगने के कारण सी मॉन्स्टर बन जाता है। सभी लोग उसको देखकर डरने लगते हैं। एरकोलो रेस छोड़कर उसे एक जाल में पकड़ लेता है, जिसे देख लुका अपने दोस्त को बचाने के लिए फुल स्पीड में साइकिल चलाता है और अल्बर्टो को लेकर वहां से निकल जाता है। उस वक्त लुका भी सी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। फिर आगे वो पानी की ओर बढ़ते हैं ताकि वो उस गांव के लोगों से बच सके। यहां एरकोलो उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। ये देखकर जूलिया एरकोलो की साइकिल को टक्कर मारने लगती है, जिससे सब के सब नीचे गिर जाते हैं। जूलिया को नीचे गिरा देखकर लुका और अल्बर्टो उसे उठाने उसके पास जाते हैं। एक सी मॉन्स्टर को इंसानों की मदद करता देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, जिसे देखकर जूलिया के डैड समझ जाते हैं सी मॉन्स्टर खतरनाक नहीं बल्कि इंसानों की तरह ही है, क्योंकि लुका और अल्बर्टो ने रेस की लाइन को क्रॉस किया होता है तो सब लोग उन्हें विनर घोषित कर देते हैं। अपने बेटे को वहां देखकर लुका के पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं। आगे उन्हें ट्रॉफी दी जाती है जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं और दोनों मिलकर एक पुरानी वेस्पा खरीद लेते हैं। फिर इंसान और सी मॉन्स्टर मिलजुल कर रहने लगते हैं, मगर अभी जूलिया उसके मॉम के पास जा रही होती है क्योंकि उसे स्कूल जाना है। आगे जूलिया ट्रेन से जाने लगती है, तभी अल्बर्टो लुका और उसके पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं और लुका से कहते
कहते हैं, हमने डिसाइड किया है कि तुम भी जूलिया के साथ स्कूल जाओगे, जिससे लुका काफी खुश हो जाता है और अल्बर्टो से कहता है तुम भी मेरे साथ स्कूल चल रहे हो, लेकिन अल्बर्टो उसे कहता है कि मैं जूलिया के डैड के साथ मछलियां पकड़ने में उनकी मदद करूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। उस वक्त दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और लुका ट्रेन से स्कूल जाने के लिए निकल जाता है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।